Hey, what's up guys, you are watching On Time Technics. I am Sharp, let's start right now. तो गाइस व्हाट्सएप ने ऑफिशियली अपना डार्क मोड लॉन्च कर दिया है और आप उसको अगर यूज़ करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप का ऑफिशियली डार्क मोड आप कैसे यूज़ करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सएप ओपन कर लेना है। आप देख सकते हैं मैंने अपने व्हाट्सएप को फिंगरप्रिंट से लॉक किया हुआ है, तो मैं इसको अनलॉक करेंगे। अगर आप हमारे फिंगरप्रिंट लॉक का वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो हमारा देख सकते हैं। और इसके बाद व्हाट्सएप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि सबसे ऊपर टॉप राइट में आपको एक थ्री डॉट्स का ऑप्शन मिलता है, आप उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको चैट्स का एक ऑप्शन दिखाई देगा। चैट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन दिखाई देगा जो है थीम। तो थीम पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन मिल जाते हैं। इन तीन ऑप्शन में सबसे पहले जो ऊपर है वो है सिस्टम डिफॉल्ट, यानी कि ये आपके एंड्रॉइड के नाइट मोड और डे मोड पे डिपेंड करता है। आप जो भी मोड अपने एंड्रॉइड डिवाइस सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये मोड को चेंज कर लेता है। और दूसरा वाला जो है वो है लाइट मोड, तो जो आप 2010 से यूज़ करते आ रहे हैं। और जो थर्ड मोड है वो है नया वाला 2020 का डार्क मोड, जो कि व्हाट्सएप ने ऑफिशियली अभी प्ले स्टोर पर लॉन्च नहीं किया है। ये जो है ये कम से कम 2.2013, ये कम से कम इसके लिए ये वर्जन होना ज़रूरी है, तभी ये डार्क मोड आपके एंड्रॉइड डिवाइस में वर्क करेगा। तो ऑफिशियली प्ले स्टोर पर यह वर्जन आने वाला है, लेकिन आप इसे पहले से यूज़ करना चाहते हैं तो इसका बीटा वर्जन आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप के डार्क मोड को यूज़ कर सकते हैं। तो बस मुझे उम्मीद है आपको हमारा छोटा सा वीडियो पसंद आया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों साथ शेयर करें और जाने से पहले नीचे इस बॉल के आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे नए नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे।